पे देख रहे हैं कि सभी लोग कराटे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में बिजी है। आपको यह बताते हुए मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कराटे का एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो सभी प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क होगा। इस कैंप में बीकानेर की जनता को सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, जो स्ट्रीट फाइटिंग एप्लीकेशन होती है, उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। 15 दिनों के इस कैंप के अंदर हम लोग सभी प्रतिभागी जो यहाँ पर आएंगे, उनको चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, हर एक शेड्यूल को हम लोग डिवाइड करके इधर सभी को जो सेल्फ डिफेंस की सरप्राइज अटैक टेक्निक्स होती है और अनआर्म कॉम्बैट टेक्निक्स होती है, साथ ही जो वेपन्स जो लेवल की डिफेंस टेक्निक्स होती है, हम उनको उनका ट्रेनिंग देंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज के टाइम में जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम लोग सभी प्रतिभागियों को दे रहे हैं। हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपको कई तरह के अच्छे अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी जो इस ट्रेनिंग में सिखाएंगे वो लोग मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रेनिंग सेंटर में हमारे स्टूडेंट है जो कि कई इंटरनेशनल अचीवमेंट खुद प्राप्त है। मैं खुद अभी 3rd degree ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे के अंदर और काफ़ी 10 सालों से मैं कराटे प्रैक्टिस के अंदर हूँ। मैं आपको अपनी एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा। वो लड़की है और 11 ईयर्स की एज के अंदर उसने इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट लेके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, पूरे राजस्थान में वो नंबर 1 है, क्योंकि अभी तक कोई भी इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट पास नहीं कर पाया है। मैंने खूब सारी चीज़ें सीखी, बेसिक सीखा, काता, कुमिते, और मैं इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट हूँ। और मैंने फर्स्ट मेरा स्टेट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। मैं 3 सालों से यहाँ कराटे कर रही हूँ और मैंने फिर अपने बॉम्बे में फिर मेरे काता और कुमिते में ब्रॉन्ज मेडल आया। और अब मैंने उड़ीसा में नेशनल खेला था, उसके अंदर मेरा सिल्वर मेडल। कितने सालों से हुआ कराटा जुड़ी और किसके नेतृत्व में सारा हुआ? मैं 3 सालों से यहाँ पे कर रही हूँ। मैं 10 जनवरी को यहाँ पे आई थी। मेरा पहले स्कूल में हमारा डेमोंस्ट्रेशन हुआ था, वहाँ पे मेरे को बहुत पसंद, और यहाँ पे मैं बेसिक्स वगैरह और सीख रही हूँ। और आगे जाके मैं ओलंपिक में जाना चाहती हूँ और गोल्ड मेडल वहाँ पर लाना चाहती हूँ। थैंक यू। इदानुके एच हई सन आई सई आई को आई यमे कंटिन्यू दंडास